रजनी बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। वो दौड़ती थी तो आंधी की तरह आगे निकल जाती थी, वो स्विमिंग करती थी तो जेट के जैसे समुद्र पार कर लेती थी। जब उसे गुस्सा आता था तो कई बार वो बाकी बच्चों को उठा के फेंक देती थी, घरों में आग लगा देती थी। रजनी को समझ नहीं आता था कि वो ये ऐसा कैसे कर लेती है, वो बाकी बच्चों से अलग क्यों है। उसके दोस्त और बाकी बच्चे रजनी से दूर रहने लगे थे। रजनी एक कुटिया में एक अम्मा के साथ रहती थी। रजनी बचपन से ऐसी नहीं थी, रजनी जब पैदा हुई थी तो वो नॉर्मल लड़की थी। भूतों के रक्षक को भूतों की रानी बनना था तो उसने उसे एक कुटिया के सामने छोड़ दिया था जहाँ अम्मा ने उसे पाला। उसी वक्त यश के पापा स्टोन्स को दुनिया में छुपा रहे थे। ये स्टोन्स ही वल्चर्स को पावर देते हैं। ये स्टोन्स उन्हें वल्चर्स से दूर रखना था। वो छुपते छुपाते अम्मा के कुटिया के सामने पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक छोटी सी बच्ची पड़ी हुई दिखती है। वो अपनी शक्तियों से स्टोन को रजनी के अंदर छुपा देते हैं। अब ये चीज किसी को नहीं पता है कि एक स्टोन रजनी के अंदर छुपा हुआ है। रजनी की पावर उसी स्टोन से आती है और इसलिए वो इतनी पावरफुल है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। उठो रजनी, आज हम मेरे गुरु स्वामी कार्तिक से मिलने जाएंगे। वो तुम्हें मेडिटेशन करना सिखाएंगे, तुम्हें फोकस करना सिखाएंगे। रजनी और पील हिमालय की तरफ निकल पड़ते हैं। प्रशांत को भूतों ने चारों तरफ से घेर लिया है। खुद प्रशांत के अंदर चला जाता है। प्रशांत अजीब सी हरकतें करने लगता है। मैं भूत हूँ, मेरे पिताजी वैद्य है, वो किसी को भी भूतों के आतंक से ठीक कर सकते हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रशांत वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घोस्ट वापस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और पोर्टल बंद हो जाता है। उतने में यश स्टेडियम पहुंच जाता है। स्टेडियम में प्रशांत उसे कहीं नहीं मिलता। ऐसे कैसे, मुझे बुलाया प्रशांत ने और गायब हो गया। यश को कुछ समझ नहीं आता और वो वापस प्रिंस के यहाँ चले जाता है। वही प्रशांत अपने घर पहुंच जाता है और घर जाके अपने वैद्य पिता को उठा उठा के पटकने लगता है। उसके पिता समझ जाते हैं कि प्रशांत के अंदर भूतों की शक्ति आ गई है। वो भस्म पाउडर लेके प्रशांत के ऊपर फेंक देते हैं और प्रशांत को होश आ जाता है। सॉरी पिताजी, ये घोस्ट ने मुझसे करवाया है। प्रशांत अपने पिता के पैरों में गिर जाता है। पिताजी मुझे भी ये शिक्षा चाहिए, आपसे ये सीखना है। वहीं यश प्रिंस के टूर में टू टेबल पर बैठ के बातें कर रहे हैं। ये शक्तियाँ मुझे मेरे पापा से मिली है। 5 स्टोन्स मिलने के बाद मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा और वल्चर्स को खत्म कर दूंगा। वल्चर्स से लड़ने के लिए मैं भी तैयार हूँ, मेरे पापा का भी यही सपना था। तुम्हारे पापा की बुक तुमने पूरी पढ़ी है? नहीं, मैं जब बुक को खोलता हूँ तब बुक की चीजें बदल जाती है। मुझे जिन चीजों की जरूरत होती है मुझे वो बुक में मिल जाती है। मुझे तुम्हारी तलवार के बारे में जानना है। प्रिंस उसका जवाब ढूंढने के लिए अपनी बुक खोलता है तो बुक में प्रिंस को उसके पूर्वजों की पूरी कहानी मिलती है। प्रिंस के दादाजी के दादाजी शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनके राज्य में भूतों ने हमला कर दिया था। भूतों के पास पावर्स थे और ये नॉर्मल इंसान थे। भूतों के सामने ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। भूतों ने उनकी पूरी सेना को मार दिया और धीरे धीरे उनके पूरे राज्य को हत्या लिया। वो कुछ नहीं कर पाए और वहां से भाग गए। भाग के सीधा हिमालय की चोटियों में गए और शिव भगवान की भक्ति करने लगे। कई साल निकल गए लेकिन उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी ने अपने त्रिशूल की एक शक्ति उस तलवार में डालकर प्रिंस के दादाजी को दे दी थी। वो तलवार लेके दादाजी वापस गए और भूतों से फाइट की। ये तलवार ना सिर्फ भूतों से फाइट कर सकती है बल्कि उनकी शक्तियाँ अपने अंदर भी ले सकती है। जैसे जैसे वो भूतों से लड़ते गए वो तलवार और शक्तिशाली होते गई। उन्होंने पूरे भूतों की सेना की शक्ति उस तलवार में ले ली और उनकी पूरी सेना को हरा दिया। जब से ये तलवार उनकी फैमिली में एक के बाद एक सबको मिल रही है और सभी गोश्त से लड़के उनके राज्य को सुरक्षित रखते हैं। वाओ, तुम्हारे दादाजी तो बहुत बड़े फाइटर होंगे। मेरे दादाजी नहीं बल्कि मेरे पापा भी बहुत बड़े फाइटर थे। जल्चस की आर्मी को उन्होंने एक बार अकेले ही हरा दिया था। जल्चस? क्या तुम जल्चस के बारे में जानते हो? हाँ, लेकिन उसे कैसे मारा जाए यह नहीं पता है। मेरे पिता की किताब में हर गोश्त से लड़ने और उन्हें मारने की तरकीबें लिखी है। यश तुरंत वो बुक निकालता है और उसमें जल्चस को ढूंढने लगता है। यश को वो चैप्टर मिल जाता है जिसमें जल्चस को मारने का तरीका था। इसमें लिखा है जल्चस को मारने के लिए उसे पहले फ्रीज करना होगा। अगर वो बर्फ बन जाए तो फिर फायर से उसे मार सकते हैं। अभी समझ आया, उस दिन आइसक्रीम फैक्ट्री में जल्चस भाग क्यों गया था। मैं मेरी तलवार से फायर निकाल सकता हूँ लेकिन जल्चस को बर्फ कैसे बनाया जाए?
ये अनादि कर सकता है, उसके पास भी वाटर को कंट्रोल करने की पावर है, वो पानी के साथ कुछ भी कर सकता है। अब अनादि को कैसे बुलाया जाए? यश इतना सोच ही रहा था कि वहाँ साधु आ जाते हैं। यश, अनादि खतरे में है, जलचस उसको मारने की बार बार कोशिश कर रहा है, तुम्हें उसे बचाना होगा। लेकिन मुझे अनादि मिलेगा कहाँ? गंगा नदी के तट पर पहुंच जाओ, वहीं तुम्हें अनादि मिलेगा। प्रिंस और यश यश की बाइक में बैठ के गंगा नदी की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं रजनी और भीड़ के लिए हिमालय की उन चोटियों में पहुंचना आसान नहीं है जहां स्वामी कार्तिकेयन रहते हैं। वहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बस सच्चे दिल से चोटी की तरफ चलते जाओ। जब तुम सच्चे दिल से तपस्या के साथ चलते जाओगे तो तुम स्वामी कार्तिकेयन तक पहुंच जाओगे। रजनी, जब तक तुम सच्चे दिल से स्वामी जी को याद नहीं करोगी हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। बर्फीली हवाएं बढ़ते जा रही थी, रजनी को चलने में दिक्कत हो रही थी, एक एक कदम आगे बढ़ाने में रजनी को मुश्किल हो रही थी। तभी अचानक भूतों की गैंग उन पर हमला कर देती है। भीलू ने पॉज करके मार रहा था। लेकिन रजनी कुछ नहीं कर पा रही थी, वो बहुत थक चुकी थी। भूत इतने सारे हो जाते हैं कि भील भी उन्हें पॉज नहीं कर पा रहा था, भील भी कमजोर पड़ने लगता है। रजनी अपनी आंखें बंद करती है और रजनी में एनर्जी आने लगती है। भील ये देख बहुत खुश हो जाता है। रजनी उड़ने लगती है और अपनी आंखों से लेजर छोड़ने लगती है। ये देख कोस वहां से भाग जाते हैं, लेकिन रजनी फिर पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देती है। मुझे मेरे पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा, मुझे स्वामी जी से मिलना ही होगा। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर में उन्हें स्वामी जी का आश्रम का गेट दिख जाता है। रजनी बहुत खुश हो जाती है। तुमने सच्चे दिल से स्वामी जी को याद किया और हम यहाँ पहुँच गए। चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन स्वामी जी का आश्रम हरा भरा था। वहाँ पक्षी डियर आराम से रह रहे थे और एकदम शांति थी, जैसे मानो ये आश्रम कोई बर्फीली जगह पे नहीं बल्कि जंगल में हो। कहीं ये कोई जादू तो नहीं? नहीं, ये स्वामी जी की शक्तियों का कमाल है। दोनों आश्रम के अंदर चले जाते हैं। वही प्रशांत अपने पिताजी से लोगों को बचाने के लिए शिक्षा लेने लगता है। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जो प्रशांत को लोगों को भूतों से बचाना सिखा देगा। प्रशांत के पिताजी उसे जंगल में जड़ी बूटी कैसे ढूंढते हैं वो बताना शुरू करते हैं। कौन सी जड़ी बूटी में कितनी शक्ति होती है, उन्हें कैसे मिक्स करते हैं, प्रशांत सब सीखने लगता है। धीरे धीरे प्रशांत आयुर्वेद की विद्या में महारथी हासिल करने लगता है। बहुत जल्द प्रशांत भी लोगों को बचाना सीख जाएगा। प्रिंस और यश गंगा की नदी के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी यश को कुछ लोग यहाँ वहाँ भागते हुए दिखते हैं। अनादि को बचाना जरूरी है, लेकिन ये लोगों को बचाना भी उतना ही जरूरी है। यश तुरंत अपनी बाइक नीचे ले लेता है। नीचे पूरी अफरा तफरी मची हुई थी, गोश्त बच्चों को उठा के लेके जा रहे थे और लोग डर के यहाँ वहाँ भाग रहे थे। यश, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझा नहीं। लगता है गोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा इस बार इस गांव में खुला है और ये भूत बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। गोस्ट बच्चों की जगह रेप्लिका छोड़ देते हैं जो इम्प्योर गोस्ट है, दिन में इंसान और रात में ये गोस्ट बन जाते हैं। हमें इन्हें रोकना होगा। दोनों तुरंत नीचे उतर जाते हैं और गोस्ट से फाइटिंग शुरू कर देते हैं। यश भवंडर नहीं बना सकता, बच्चों को चोटें लग सकती है। यश अपनी ताकत से कोच को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार यश कोच को उसकी तरफ नहीं खींच पा रहा था। यश और ताकत लगाता है लेकिन कुछ नहीं होता। लगता है कोच यूनिवर्स की गोस्ट के सामने मेरी ताकत नहीं चलेगी। यश अपनी गन निकालता है और कोच को पकड़ना शुरू कर देता है। वही प्रिंस अपनी तलवार से कोच को मारना शुरू कर देता है। दोनों को देख सारे कोच वहां से भाग जाते हैं। इस बार तो हमने लोगों को बचा लिया, लेकिन ऐसा कितनी जगह हो रहा होगा। हमें ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कोई हथियार लगेगा। मैंने एक बुक में रेखांकित नक्शे के बारे में पढ़ा था जो घोस्ट को ट्रैक करता है, शायद वो हमारी हेल्प कर सके। वाह, लेकिन इससे पहले अनादि को हमारी मदद चाहिए। पहले जलचस को खत्म करते हैं, फिर ये मैप ढूंढेंगे। दोनों वहाँ से गंगा नदी की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं गंगा के पास जलचस अनादि को ढूंढते ढूंढते पहुँच जाता है। इस बार तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे हजारों साल से कोई नहीं मार पाया है, मैं धरती पे कब्जा करके वल्चर का सपना पूरा करूंगा। और दोनों के बीच छोटा युद्ध शुरू हो जाता है। Oh!
जोर पड़ने लगता है। अनादि वहां से गायब होने की कोशिश करता है, लेकिन वो कमजोर हो गया था। वो वहां से भाग नहीं पा रहा था। जलचस अनादि पे हावी होते जा रहा था। उतने में वहां यश और प्रिंस पहुंच जाते हैं। रुक जाओ जलचस, आज तो तुम्हें नानी मैं याद दिलाऊंगा। यश तुरंत टोर्नाडो बनाता है और जलचस के ऊपर छोड़ देता है। प्रिंस भी तलवार से जलचस पे अटैक करने लगता है। यश और प्रिंस भी के बीच जलचस को हरा नहीं पा रहे थे। ये जलचस तो काफी शक्तिशाली है। यश जोरों से आवाज लगाता है, अनादि जलचस को बर्फ की तरह जमा दो। प्रिंस बाइक से जंप करता है। उसकी तलवार से तेज आग निकलने लगती है। वो अपनी तलवार से जलचस को आग पार कर देता है। क्या बात है प्रिंस, तुमने जलचस को मार दिया। लेकिन जलचस इतना शक्तिशाली है तो वलचस कितना होगा। वही अनादि एकदम कमजोर हो गया था और कंगा के पास बेहोश हो गया था। मैं इन्हें कैसे बचाऊं? यश अपना हाथ अनादि के सर पर रखता है तो अनादि के घाव ठीक होने लगते हैं और अनादि पूरा ठीक हो जाता है। तुम लोग तो बहुत शक्तिशाली हो, कौन हो तुम? तब यश अनादि को अपने और उसके पिता के बारे में बताता है। तुम विक्रांत के बेटे हो, विक्रांत मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तुम भी उसी की तरह बहादुर और शक्तिशाली हो। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा वलचस को हराने में, और तुम्हें जलमणि पाने में मैं मदद भी कर सकता हूँ। लेकिन जलमणि पाने के लिए तुम्हें रेखांकित मैप ढूंढना होगा, वही तुम्हें वहां तक लेके जाएगा। ये लो ताबीज, ये तुम्हारे पापा ने मुझे दिया था। यश ताबीज खोल के देखता है तो उसमें अनादि और उसके पापा की साथ में तस्वीर थी। यश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े ताबीज को छू के मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा, अभी मुझे जाना है। कभी मैं तुम्हें मेरे और तुम्हारे पापा के किस्से सुनाऊंगा। इतना कहते ही अनादि वहां से गायब हो जाता है। यश और प्रिंस वही नदी के तट पर बैठ जाते हैं। प्रिंस जल्दी वो बुक खोलो और गन के बारे में देखो क्या लिखा है। प्रिंस बुक ओपन करता है तो यश के पापा और गन की कहानी लिखी होती है। यश के पापा उस समय के सबसे बड़े गोस्ट हंटर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गोस्ट, गोस्ट यूनिवर्स और छुपे हुए रहस्य और पावर को जानने में लगा दी। उन्होंने बहुत तपस्या और रिसर्च करके दुनिया में छुपे हुए कई पावर्स को डिस्कवर किया और उनकी शक्तियों को अलग अलग स्टोन्स में डाल दिया। उन्हें दुनिया के हर गोस्ट की शक्तियाँ और वीकनेस के बारे में पता था और उन्होंने अपनी किताब में ये सब लिख दिया था, लेकिन वल्चर्स के बारे में वो कभी पता नहीं कर पाए थे। एक दिन विक्रांत भूतों से लड़ते हुए एक सीक्रेट छुपे हुए मंदिर में पहुंच जाता है। वो मंदिर हिमालय के नीचे था। मंदिर के आसपास में आदिवासी रहते थे। वो मंदिर एक देवी का था जिनके पास भूतों से लड़ने की अपार शक्ति थी। देवी के पैरों के पास विक्रांत को वो गन मिलती है। ऐसी गन विक्रांत ने कभी नहीं देखी थी। तभी गोस्ट विक्रांत पे अटैक कर देते हैं। विक्रांत उस गन का ट्रिगर दबा देता है और गोस्ट उनमें कैद हो जाते हैं। गन की शक्तियां देख विक्रांत चौक हो जाता है। विक्रांत देवी को प्रणाम करता है और वहां से निकल जाता है। अपने इतने सालों की तपस्या और पावर से विक्रांत गन को और पावरफुल बना देता है, गोस्ट को इजीली कैप्चर कर सके और उन पर फिर रिसर्च कर सके। इसलिए विक्रांत गन के लिए न्यू कैप्सूल भी डिजाइन करता है। वाओ, मेरे पापा इतने शक्तिशाली थे तो फिर वो मर कैसे गए, और मेरा भाई कहाँ है? मुझे ये सब जानना होगा। क्या यश ये सब जान पाएगा? देखेंगे हम अगले एपिसोड।